हेलो डॉक्टर। हेलो। डॉक्टर मेरा नाम सतीश है अच्छा, और मेरी शादी को लगभग 2 साल हो गए हैं। सतीश जी, यहाँ कैसे आना हुआ? बताइए, डॉक्टर बहुत गंभीर समस्या है क्या समस्या है आपकी? और मैं समझता हूँ कि इस बात को आपसे बेहतर नहीं समझ सकता, क्योंकि आप भी एक लेडीज डॉक्टर हैं और आप इस चीज़ के स्पेशलिस्ट भी हैं। डॉक्टर मेरा डिवोर्स होने वाला है। डिवोर्स जी, क्यों? क्यों का कारण ये है डॉक्टर, मेरी बहुत सुंदर बीवी है, अच्छे परिवार से, लेकिन जो सुख हर आदमी को प्राप्त होता है शादी के बाद, औलाद का सुख, हाँ, वो मुझको अभी तक नहीं मिला। कुछ खास वजह? अब खास वजह क्या डॉक्टर, वो 3 बार प्रेग्नेंट हुई, तीनों बार बच्चा खराब हो गया पेट में। तो इसमें आपकी वाइफ की कहाँ गलती हुई? अब डॉक्टर अगर मेरे अंदर कोई कमी होती तो प्रेग्नेंट ही नहीं होती। मैंने तो वो 3 बार प्रेग्नेंट हुई, तो मेरे अंदर क्या कमी हुई डॉक्टर? देखिए सतीश जी, आप किसी भ्रम में जी रहे हैं। बच्चा खराब होना, औरत का प्रेग्नेंट होना, उसमें मर्द का बहुत बड़ा हाथ होता है। ऐसा क्यों? और बच्चा खराब होना, उसमें सिर्फ औरत की ही गलती नहीं होती, क्योंकि एक औरत प्रेग्नेंट तो हो जाती है, लेकिन उसके अंदर जाने वाले शुक्राणु किस तरह के हैं, ये मर्द पर डिपेंड करता है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मेरे अंदर कमी है? नहीं, मैंने ऐसा भी नहीं कहा, लेकिन क्या कभी आपने इस चीज़ का गौर किया है कि बच्चा बार 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 खराब क्यों हो रहा है, मिस कैरिज क्यों हो रहे हैं? क्यों? ये आपकी गलती है मिस्टर सतीश, क्यों डॉक्टर? क्योंकि आप लोगों के इधर उधर रिलेशन बनाते हैं। नहीं वो नहीं बोलिए सतीश जी, आपके क्या बाहर रिलेशन है? वो नहीं, मैं आपको बताती, हर मर्द कहीं ना कहीं बाहर अपने रिलेशन बना लेता शादी है। से पहले था डॉक्टर। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके रिलेशन चाहे शादी से पहले हुए हो चाहे शादी के बाद, लेकिन आपके शुक्राणु बहुत कमजोर हो चुके होते हैं। जो प्रेग्नेंट होती है औरत, उसके शुक्राणु उतने ताकतवर नहीं होते कि वो बच्चे को संभाल सके। क्या आपने कभी सोचा कि आप अपनी औरत पर हाथ उठाने से पहले, उस पर इल्जाम लगाने से पहले, कभी आपने अपने ग्रीवान में झांका? हाँ, मेरे अंदर कमी क्या है डॉक्टर? मैं उसे प्रेग्नेंट हुई है वो। सतीश जी, एक औरत को प्रेग्नेंट करना ही मर्द की जिम्मेदारी नहीं है। आप अपने आप को ये देखिए कि आपके कहीं रिलेशन तो नहीं है क्या? उस औरत से आपको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं लग रही है जो आपके बच्चे को इफेक्ट कर रही है? आपके बच्चा बार बार मिसकैरेज हो रहा है, क्यों क्यों हो रहा है ऐसा? हाँ, मेरे अवैध संबंध थे और मैंने बिना सेफ्टी के साथ किए थे, ये बात सच है, लेकिन मैं मर्द हूं, मैंने उसको प्रेग्नेंट किया है। आप यह कहना चाहते हैं कि मेरे शुक्राणु में कमी है? जी बिल्कुल। एक बार मैंने अपने वीर्य की टेस्ट कराई थी तो तो क्या निकला, क्या निकला सतीश जी आपके टेस्ट? वो ठीक थी। मैंने नहीं, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं थी। मैं आपसे फिर कहती हूँ सतीश जी, आप अपना टेस्ट करवाइए, अपना वीर्य टेस्ट कराइए, आप देखिए कमी आपकी वाइफ में नहीं, कमी आप में मिलेगी, क्योंकि आपके शुक्राणु कमजोर हैं। आपकी वाइफ के रिलेशन कहीं बाहर नहीं है, आपके रिलेशन बाहर है आप ठीक कह रहे हैं और मैं आपकी बात से सहमत हूँ। शायद, इसीलिए आज तक आप एक बाप बात बनने का सुख नहीं भोग पाए हो सतीश जी। मैंने अभी तक आपसे छुपाई है। बोलिए। जो मेरी वीए की रिपोर्ट आई थी उसमें 30% मेरे शुक्राणु थे और मुझे दवाई भी बताई गई थी और मुझसे ये भी कहा था कि मैं अपने अवैध संबंध से रिश्ता तोड़ दूँ। ना तो मैंने दवाई खाई और ना ही मैंने अवैध संबंध से रिश्ता तोड़ा। आप इतनी सारी जानकारी रखने के बाद आप अपनी वाइफ पर इस तरह के इल्जाम लगाते हो सतीश जी? आप जैसे मर्द औरतों पर जो इस तरह के अत्याचार करते हैं, वो मान का सुख नहीं भोग पाते। एक तरफ आप भी तो बाप बनने का सुख नहीं भोग पाते। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी एक जरा सी गलती आपको कितने बड़े सुख से वंचित कर रही है? सॉरी डॉक्टर, सोचिए सतीश मेरी जी। आंखें खुल गई हैं और मैं आपसे और अपने आप से और अपनी वाइफ से वादा करता हूँ, ना तो मैं अवैध संबंध रखूँगा,
और जो डॉक्टर ने मुझे दवाई बताई है वो पूरे तरीके से खाऊंगा बिल्कुल सतीश और जी, उसे भरपूर प्यार दूंगा। हाँ ध्यान रखना, कभी भी अवैध संबंध बाहर ना बनाएं, इससे आपका बुरा ये होगा, आपकी बॉडी पर बुरा इफेक्ट पड़ेगा, आप बाप बनने का सुख नहीं भोग पाएंगे और आप अपनी पत्नी को अच्छी तरह से प्यार देंगे, बाहर रिलेशन नहीं रखेंगे तो आप बाप बन पाएंगे, उसका सुख भोग पाएंगे। ठीक है डॉक्टर, भगवान ने चाहा तो मैं जल्दी आपको मुंह मीठा करूँ। बिल्कुल बिल्कुल सतीश जी, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू।